नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जीएनएफसी के बारे में, यानी कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों जीएनएफसी, दोस्तों पिछले 4 से 5 सालों में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को, लेकिन वहीं बात करें हम पिछले 1 साल की, जिसका कि मैंने आपको इसके सामने आपके सामने अभी चार्ट लगा रखा है, तो बहुत ही बुरे रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट -62% का, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, -62% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को। लेकिन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या इस कंपनी में पोटेंशियल है कि आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह के रिटर्न दे सकती है, और ये भी देखेंगे दोस्तों कि पिछले 5 सालों में किस तरह के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी दोस्तों फर्टिलाइजर्स बनाती है, एग्रोकेमिकल बनाती है। ये है एक दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,893 करोड़ रुपए से ऊपर का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दोस्तों जस्ट 2.52 का, जो कि बहुत ही लो है दोस्तों। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों इसकी 0.37 की, जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों अगर किसी भी स्टॉक की 1 तक रहती है तो सही माना जाता है कि 1 तक है तो ये सही है। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो कि अच्छी डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर को, लेकिन रिटर्न इसने अच्छा नहीं दिया था, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग। डिविडेंड इसने दिया है दोस्तों लगभग पिछली बार जो दिया था पर इक्विटी शेयर पे, पिछले साल 2019 में ₹7 पर इक्विटी शेयर का इसने डिविडेंड दिया था। सेक्टर का पी है दोस्तों 13.25, और वहीं पे देख लीजिए दोस्तों जीएनएफसी को, जीएनएफसी आपको कितने चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है दोस्तों। जीएनएफसी का अभी पी चल रहा है 2.52 दोस्तों। सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.50 है दोस्तों, वहीं इसका है 0.37। तो कंपेयर करेंगे दोस्तों अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को और प्राइस टू बुक वैल्यू को इसके सेक्टर के साथ, तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ये मिल रहा है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इसके पिछले 5 सालों का डाटा पहले, कि 5 साल में किस तरह के इसने रिटर्न दिए हैं। 5 साल में दिए हैं दोस्तों इसने रिटर्न 64% के, और वहीं दोस्तों अगर हम एक पिछले 3 सालों का देखेंगे कि पिछले 3 साल में, यानी कि 2015 से 2018 तक के किस तरह से इसने रिटर्न दिए थे, तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे जब स्मॉल कैप कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही थी दोस्तों। तो 2015 में दोस्तों ये ट्रेड कर रहा था 74 पे, और 2018-19 में या 2017-18 में दोस्तों ये पहुंच गया था लगभग 450 के करीब। तो लगभग इसने दिए हैं दोस्तों यहां तक 7 गुना रिटर्न अपने शेयर होल्डर को, यानी कि 600% तक के रिटर्न दिए हैं इसने पिछले 5 सालों में, अगर 2015 से 2018 तक का डाटा रीड किया जाए तो। लेकिन 2018 के बाद दोस्तों ये कंटिन्यूअसली इसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला है, और ये नीचे गिरता चला जा रहा है। वही जो मैंने आपको बताया था कि 1 साल के रिटर्न है दोस्तों इसके -62% के। मैक्सिमम देख लेते हैं दोस्तों इसका मैक्सिमम, इसका चार्ट मैंने आप लोगों के सामने अभी लगाया है। 2000 में ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों, सन 2000 में ऑलमोस्ट 44 रुपए पे, और अभी ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों लगभग 133 पे। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे 133 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो 186% के रिटर्न इसने दिए हैं सन 2000 से दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इसका पिछला प्रीवियस डेटा। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कंपनी का अभी करंट प्राइस है दोस्तों, वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम अवेलेबल पे है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ये शेयर हमें मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न दोस्तों ये कंपनी देती है, और साथ ही साथ दोस्तों ये कंपनी जो है अच्छा डिविडेंड भी पे करती है अपने शेयर होल्डर को। तो ये तो रही बात दोस्तों इसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इसका देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है अभी। तो शेयर होल्डिंग में दोस्तों देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इसके शेयर हैं आज की डेट में प्रमोटर के पास है 41.18%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं इसको काफी अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग है वो एटलीस्ट प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की रहे तो वो अच्छा रहता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर के पास थोड़ा सा कम शेयर होल्डिंग है इसकी। और एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे दिसंबर 18 का और मार्च 19 का देखिए आप दोस्तों, दिसंबर 18 में शेयर होल्डर प्रमोटर के पास थे 41.20 और कम हो गए हैं दोस्तों मार्च 2019 में 41.18, यानी कि आप प्रमोटर जो है, प्रमोटर यहाँ पे शेयर बेचे थे इन दोनों क्वार्टरों के बीच में दोस्तों, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। जब प्रमोटर कंपनी में अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाता है, इसका मतलब प्रमोटर को
अंदाजा है, भरोसा है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर ने शेयर को घटाया है, अपने शेयर होल्डिंग को कम किया है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास है दोस्तों लगभग 3% के करीब, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है दोस्तों 14% के लगभग, और FII और FPI जो होते हैं दोस्तों उनके पास है 12% के करीब, और अदर पार्टीज के पास है दोस्तों 31.68%। अदर पार्टीज में आते हैं दोस्तों जैसे रिटेल इन्वेस्टर, आप और हम लोग दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। आप बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि क्या इसका फोरकास्ट रहेगा, फ्यूचर में कैसा ये ग्रोथ कर सकता है, अच्छे रिटर्न देगा कि नहीं देगा, क्या होगा दोस्तों इस शेयर का। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की हमारी कंट्री है जहाँ पे कि फर्टिलाइजर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जो ये कंपनी है दोस्तों अगर इसका हम इसके पीयर्स के साथ भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। यूपीएल लिमिटेड का देख लीजिए दोस्तों, 1 साल का रिटर्न -49% है। और साथ ही साथ दोस्तों पी रेशियो एक चीज़ देखिएगा, जब कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं तो पी रेशियो पर ध्यान दीजिएगा। पी रेशियो यहाँ मिल रहा है दोस्तों 16 का, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड में 38 का पी है दोस्तों, वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का दोस्तों लगभग 20 का पी है, और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड का दोस्तों 7 का पी है। वहीं हमने जीएनएफसी का पी देखा था दोस्तों, ओनली 2.52 का इसका पी है। तो ये मान लेते हैं दोस्तों कि केवल आपको केवल 2 रुपए खर्च करने हैं 1 रुपए कमाने के लिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो। तो ये तो रही बात दोस्तों इसके पिछले 5 साल के डेटा की, और ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से ये काम करता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे, क्योंकि ये अभी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और अपने लो प्राइस पे अवेलेबल है दोस्तों, जहाँ से कि फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर यहाँ इन्वेस्ट किया जाए, एक इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करता है तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो कंट्री है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, हमेशा ही रहेगी, और बेनिफिट होगा दोस्तों इस कंपनी को। जैसे ही फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी को बेनिफिट होगा और शेयर होल्डर को भी बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी कि जो जीएनएफसी कंपनी है ये कैसा परफॉर्म कर सकती है नियर फ्यूचर में दोस्तों। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज दोस्तों, और किसी भी शेयर को बाय और सेल करने से पहले खुद की रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस